सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग क्रेटा का रिव्यू कर रहे हैं, जो कि इधर आपके सामने है। ये कलर भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है क्रेटा का। तो अभी बैक लुक इसका दिखा रहे हैं। तो बैक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको टेल लाइट मिल जाता है बैक वाला। इसका लाइट कुछ ऐसा ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ सिल्वर देखने को मिलता है हर एक जगह, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एक प्रीमियम सा क्रेटा का बैजिंग मिल जाता है। ऐसे वेरियंट है तो कुछ ऐसा, ऐसे स्टॉप वेरियंट है। इसमें आपको एंटीना नहीं मिलेगा, सार्फिन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको रिवर्स लाइट मिलता है, बीच रिफ्लेक्टर, एक छोटा सा छोटा रिफ्लेक्टर मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की तरफ चलता है, साइड की तरफ आता है तो यहाँ पे एलॉय कुछ ऐसा मिल जाता है, देख सकते हैं आप, पूरा सिल्वर टाइप का। और यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलता है। इधर की तरफ थोड़ा सिल्वर देखने को मिलेगा आपको। और इसका जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम फिनिश के साथ आता है। इसका जो डोर हैंडल है ओरवीएम की तरफ आते हैं तो ओरवीएम बॉडी कलर का मिलता है आपको, विथ ओन इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ इसके रूफ रेल्स मिलता है आपको, जो सिल्वर मिल जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सिल्वर देखने को मिलता है हर एक जगह। और यहाँ पे आपको इसके पिलर पे पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा। ग्रिल की तरफ चलते हैं, फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसा लुक आ रहा है। इसका ग्रिल ऐसा मिल जाता है विथ ग्रे एंड क्रोम फिनिश के साथ मिलता है आपको। हेडलैम्प की बात करें तो थोड़ा ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। सो हेडलैम्प की बात करें तो आपको हैलोजन नहीं मिलता है, इसमें एलईडी मिल जाता है, जो कि काफ़ी, मतलब इसका थ्रो काफ़ी अच्छा एलईडी मिल जाता है आपको। हेलोजन नहीं मिलता। तो गाइस आ चुके हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो उसका इंटीरियर कुछ ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं। इसका जो सबसे पहले मीटर की तरफ आते हैं तो मीटर भी काफी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। ये मतलब थोड़ा एनालॉग टाइप का मिल जाता है आपको, लेकिन काफी मतलब लाइट इसमें अच्छा यूज किया गया, काफी प्रीमियम लग रहा है इसका जो मीटर है। मीटर में किलोमीटर वगैरह सब दिखाएगा, मतलब हर एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है। स्टेयरिंग की तरफ आते हैं तो स्टेयरिंग आपको ऐसा मिल जाता है विथ सिल्वर, सिल्वर फिनिश टाइप का मिल जाता है इसका जो स्टेयरिंग है आपको। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल्स यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से फोन डायल एंड डायल भी कर सकते हैं। और इधर की तरफ आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी में। और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो इस गाड़ी में एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है, जो कि ऐसे एडजस्ट होता है, दिखाया था आपको एक बार। ये आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता इसका जो स्टीयरिंग है, अप एंड डाउन मिल जाता है। तो साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा वाइट टाइप का देखने को मिलता है, वाइट एंड ब्लैक थीम का यूज किया गया है इस गाड़ी में पूरा आपको हर एक जगह। और इसका जो डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम मिल जाता है, मतलब सिल्वर टाइप का डोर हैंडल्स मिल जाता है इस गाड़ी में। और इधर की तरफ आते हैं तो विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बटन यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे ओरवीएम का एडजस्टमेंट यहाँ मिलता है, जो कि ओरवीएम 404 आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इस गाड़ी में। नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, ग्लॉस ब्लैक का यूज किया गया है इसके जो डोर हैंडल्स पे। और इसका जो एसी वेंट है उसको आपको सिल्वर देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा इस गाड़ी में। तो इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का, वाइट एंड ब्लैक थीम पे पूरा, मतलब ये मेट है इसका जो इंटीरियर है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सन प्रोटेक्शन मिल जाता है यहाँ पे ऊपर में, इसमें मिरर नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लाइट जो मिलता है आपको एलईडी मिलता है, हैलोजन नहीं मिलता,
सनरूफ मिल जाता है इस गाड़ी में, जो कि पैनोरामिक मिलता है आपको, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा सनरूफ है जो कि पैनोरामिक मिल जाता है एस एक्स वेरियंट में, देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब बड़ा सनरूफ है, पैनोरामिक मिल जाता है आपको इस मॉडल में, आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ वन टैप, तो ऐसे क्लोज हो जाता है फिर ये। तो गाइस इसका स्क्रीन का बात करें तो इसका स्क्रीन कुछ ऐसा मिल जाता है, देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको टाइम वगैरह डायरेक्शन वगैरह सब दिखाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा मिलता है, नेविगेशन वगैरह मिल जाता है इसमें, जो कि काफ़ी फास्ट मतलब ये काम करता है, इसका जो नेविगेशन लैग ही नहीं है। और यहाँ पे आपको एसी पे सिल्वर देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। और सीट की बात करें तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस, एकदम कुशन टाइप का लग रहा है, जो कि वाइट टाइप का मिल जाता है, वाइट एंड ब्लैक थीम का आपको सीट मिल जाता है इस गाड़ी में एसी। और इसका जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे फंक्शंस भी दे रखे हैं गाइस, मीडिया वगैरह रेडियो वगैरह सब यहाँ से कंट्रोल होगा, अपने हिसाब से आप इसे सेटअप कर सकते हैं इसका जो स्क्रीन है। और नीचे की तरफ आते तो एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रियर फ्रंट डिफॉगर भी मिल जाता है आपको, और ये नॉब टाइप का आपको मिल जाता है, हजार्ड का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। तो वैसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट वगैरह यहाँ मिल जाता है, 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, और ये टाइप सी भी मिल जाता है इस गाड़ी में, मतलब चार्जिंग ऑल अवेलेबल है इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको गियर बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसका रिवर्स कैमरा इधर लगता है, और इसका ये यहाँ पे एक बटन दे रखा है जो कि व्यू का है, जो कि 360 कैमरा आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, 360 कैमरा भी मिल जाता है इस गाड़ी में। तो अभी इसका रिवर्स कैमरा दिखा देते हैं आपको, तो इसका रिवर्स कुछ ऐसा मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है इसका जो रिवर्स कैमरा है, मतलब काफ़ी क्लियर कट बना हुआ है। और ये मतलब सराउंडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, पूरा एडजस्टेबल आपको मिल जाता है इस गाड़ी में इसका जो रिवर्स कैमरा, जो कि काफ़ी क्लियर है। तो इधर की तरफ आते हैं तो गियर बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है, अभी सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया गया, ग्लॉस ब्लैक का, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। इधर की तरफ आते हैं तो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सीट का कंफर्टेबिलिटी का बात करें तो बहुत मतलब अच्छा सीट मतलब यूज़ किया गया मटेरियल वगैरह। आर्मरेस्ट की तरफ आते हैं तो आर्मरेस्ट काफ़ी बड़ा मिल जाता है इस गाड़ी में, आर्मरेस्ट जो है तो आर्मरेस्ट में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है आर्मरेस्ट में। तो गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है गाइस, मतलब ये 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है इस गाड़ी में। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, देख सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ साइन दे रहा है, देख सकते हैं आप मीटर के पास, यहाँ से वर्क करता है। इसे ग्लव बॉक्स पे आते हैं तो ग्लव बॉक्स कुछ इतना बड़ा मिल जाता है आपको, देख सकते हैं आप, अंदर में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसके ग्लव बॉक्स में। और यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट लेदर सॉफ्ट मतलब हार्ड लेदर का यूज किया गया है, यहाँ पे थोड़ा एयर बैग वगैरह सब मिल जाता है। चलते हैं इसके बैक की तरफ, तो गाइस आ चुके हैं बैक की तरफ, तो बैक से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा बनाया गया इस गाड़ी को, सनरूफ मिल जाता है इसमें, पैनोरामिक तो काफ़ी वाइड मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आप पीछे की तरफ। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर एसी बेंट मिल जाता है, बीच सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाता है आपको रियर एसी बेंट। और इधर की तरफ आपको लाइट मिल जाता है, जो कि एलईडी मिलता है आपको इस गाड़ी में। स्पेस की बात करें तो स्पेस काफ़ी मतलब अच्छा है इस गाड़ी में क्रेटा में। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छी एसयूवी लेने का 15 लाख के अंदर, तो आप इस पे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम बनाया गया, 15 लाख में आजकल ऐसा एसयूवी आपको नहीं मिलेगा, मतलब इतना प्रीमियम मतलब इतना बिल्ड क्वालिटी अच्छा आपको नहीं मिलेगा और कोई गाड़ी में। तो आप इसे इस पर जा भी सकते हैं, इस पर जा सकते हैं मतलब ओन कर सकते हैं इसे, 15 लाख अगर खर्च कर रहे हैं अच्छी जगह तो सीट का बात करें तो बैक की तरफ भी सीट आपको व्हाइट थीम पे पूरा देखने को मिलेगा, व्हाइट एंड ब्लैक थीम पे पूरा देखने को मिलता है इस गाड़ी में। इधर की तरफ आते हैं तो आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाता है इस गाड़ी में, और
यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक थीम का यूज़ किया गया, कर्टन मिल जाता है बाय द वे सामने, तो काफ़ी अच्छा यूजफुल फीचर इसमें दिए गए हैं। ऊपर की तरफ बात है तो यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है, जो कि LED मिलता है, हेलोजन नहीं मिलता है। स्पीकर नीचे मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस भी दे रखा है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। बैक की तरफ यहाँ पर भी आपको कर्टन मिल जाता है, जो कि आपको धूप से प्रोटेक्ट करेगा। तो सीट की बात करें तो सीट का भी कंफर्टेबिलिटी काफी अच्छा है गाइस। और यहाँ पे आपको पीछे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, देख सकते हैं अभी कवर अप किया हुआ है तो ओपन नहीं करते हैं इसे। सो गाइस इसका बूट स्पेस का बात करें तो इसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सो गाइस बूट का बात करें तो आपको 433 लीटर का मिल जाता है, इसमें बूट काफी बड़ा है, 433 लीटर का मिल जाता है।